मार्च 2023 में इस देश का सबसे इंटरेस्टिंग केस सामने आता है, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट खुद सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और कहता है कि हमें बचा लो, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन को ही अपनी जमीन बता दिया। लेकिन ये वक्फ बोर्ड है क्या? वक्फ बोर्ड 1964 में कांग्रेस के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। इसके तहत कोई भी मुस्लिम चैरिटी के नाम पर अपनी जमीन को वक्फ बोर्ड को दान कर सकता है और सेक्शन 85 के तहत वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन को जबरदस्ती भी क्लेम कर सकता है और इसके खिलाफ आप सिविल कोर्ट भी नहीं जा सकते, आपको इन्हीं के ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा जहां पर डिसीजन पैनल के सारे मेंबर्स मुस्लिम ही आपको मिलेंगे। यहां तक कि 2009 में वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ जमीन हुआ करती थी, जो आज की तारीख में 8.5 लाख एकड़ की है। आर्मी और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनें वक्फ बोर्ड के पास ही हैं, जो पंडित नेहरू की देन है। आज की तारीख में 51,000 से ज्यादा केसेस चल रहे हैं जहां पर वक्फ बोर्ड ने रिलीजियस राइट्स के नाम पर जबरदस्ती लोगों की जमीनें छीन रखी हैं। तो आप बताइए, क्या वक्फ बोर्ड के नियमों में बदलाव करने चाहिए?